Students, today's topic is liquidity preference theory. This theory determines the rate of interest and is presented by Lord Keynes. That is why it is also called Keynesian theory of interest. According to this theory, interest is the reward for parting with liquidity for a specified period of time. What is meant by parting with? इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और कोई शख्स आपसे कहता है कि ये मुझे 2 साल के लिए आप दे दें, तो आप इस पे मुझसे कितने पैसे लेंगे? आप उसे कहते हैं मैं आपसे 2 साल में 40,000 रुपये लूँगा, 20,000 पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स 2 साल तक इन पैसों के इस्तेमाल से दस्तबरदार हो जाएगा। ये है पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी 2 साल के अरसे के लिए। पार्ट विद का मतलब होता है दस्तबरदार होना। अब इस दस्तबरदार होने का मुआवजा लेंडर को जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड किसका? ऑफ द लेंडर। किस लिए? फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी, क्योंकि वो दस्तबरदार हो रहा है उस पैसे के इस्तेमाल से। वो कह रहा है कि मैं ये 1 लाख रुपया इस्तेमाल नहीं करूँगा फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, 2 साल। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में कहा, उसने कहा 2 ईयर्स तक मैं इस पैसे के इस्तेमाल से दस्तबरदार होता हूँ आपके हक में, आप इसे इस्तेमाल कर लें और इसके बदले में सालाना मुझे 20% जो है वो आप पे कर देंगे। तो ये जो आप उसको पे करेंगे 20%, ये है उसका इंटरेस्ट। अब इस थ्योरी में कहा गया कि लाइक द रिवॉर्ड्स ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल और द प्राइस ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो डिटर्मंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी जैसे हम बाकी फैक्टर्स के मुआवजों का तायुन करते हैं, लाइक लैंड पे रेंट, लेबर को हम देते हैं वेजेस, और इसी तरह हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे रहे होते हैं, तो ये जो कैपिटल है इसका जो मुआवजा है जिसे हमने इंटरेस्ट कहा, इसका तायुन भी डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के तहत होता है, यानी डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि डिमांड फॉर मनी क्या है और सप्लाई ऑफ मनी क्या है। हम जानते हैं कि लोग पैसे की ख्वाहिश क्यों करते हैं। सिंपल सी बात है, लोगों के 3 बड़े मोटिव्स होते हैं। सबसे पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, बिजनेस की और जो आपकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है, जो आप डिमांड करते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। तो द डिमांड फॉर मनी टू मीट द करंट डोमेस्टिक एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब अगर तो ये आपके घर की ज़रूरियात के लिए है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम मोटिव। और अगर ये आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए है, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स जो आपकी बिजनेस की होती हैं उसके लिए आपकी डिमांड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस मोटिव। और ये दोनों मिला के इनकम मोटिव और बिजनेस मोटिव ये बन जाता है ट्रांजैक्शन मोटिव। तो ये है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, मींस डिमांड फॉर मनी टू मीट द डोमेस्टिक एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। अब ये किस पर डिपेंड करता है? आपकी लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है और आपके बिजनेस टर्नओवर पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है, आपकी इनकम का लेवल कितना है। जितना इनकम का लेवल ज़्यादा होगा, जितना बिजनेस टर्नओवर ज़्यादा होगा, आपकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होंगी और बिजनेस रिक्वायरमेंट भी उसके मुताबिक होंगी। अब इसके बाद है प्रिकॉशनरी मोटिव। ये क्या है?
आप जानते हैं कि हर शख्स अपने घर में कुछ ना कुछ पैसे बचा के रखता है टू मीट द एमरजेंसीज। इसी तरह हर बिजनेसमैन एमरजेंसीज को मीट करने के लिए, जो उसके बिजनेस एमरजेंसीज होती हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट सेव रखता है। अब ये द डिमांड फॉर मनी टू मीट द फ्यूचर एमरजेंसीज ऑफ होम एंड बिजनेस, अब ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज लिविंग कंडीशन। अब जानते हैं ना कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि यार खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हो तो मुझे किसी से बैग ना करना पड़े एमरजेंसी की सूरत में, तो दे कीप मोर मनी। जितना आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उतना ही आप ज़्यादा पैसे अपने पास रखते हैं। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप इतने कॉन्शियस नहीं हैं इन मामलात में, तो फिर आप उतने ही कम अमाउंट अपने पास रखते हो। अच्छा यार देखी जाएगी, जब होगा तो कोई किसी से ले लेंगे, पकड़ लेंगे। इस किस्म की नेचर भी बाज़ लोगों की होती है। लेकिन बाज़ लोग इस चीज़ को मायूब समझते हैं किसी के आगे हाथ फैलाना, और वो दे कीप मोर मनी एट होम टू मीट द होम एमरजेंसीज। और इसी तरह बिजनेस के लिए भी वो अकाउंट में पैसा रखते हैं कि अगर कोई एमरजेंसी हो गई तो हमें फौरी तौर पर, चूँकि बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो फौरी तौर पर हमें इस एमरजेंसीज को मीट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट मौजूद होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये है प्रिकॉशनरी मोटिव, मीटिंग एमरजेंसीज। तो ये डिमांड फॉर मनी टू मीट द एमरजेंसी। अब इन दोनों मकासद के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, इसको कहते हैं एक्टिव बैलेंस। यानी वो डिमांड जो इन दोनों मकासद के लिए आप करते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्टिव बैलेंस। तो ये देखिए लिखा है, द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव इज कॉल्ड एक्टिव बैलेंस बाय केन्स एंड लेबल्ड एज M1। इसको वो कहते हैं M1 है ये। M1 क्या है? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए जो आप डिमांड करते हैं, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो एक्टिव बैलेंस ये बन जाता है। तो एक्टिव बैलेंस किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम, कि जितनी आपकी इनकम का लेवल ज़्यादा होगा, एक्टिव बैलेंस जो है वो आप उतना ही ज़्यादा रख रहे होंगे अपने पास, और जितनी आपकी इनकम कम होगी उतना ही लेवल ऑफ उतनी ही आपका एक्टिव बैलेंस कम होगा। आप ज़रा नेक्स्ट डायग्राम पे देखिए, ये फर्स्ट डायग्राम में देखें, इनकम OY1 है तो एक्टिव बैलेंस की डिमांड कितनी है? OL1। इनकम बढ़ के OY2 हो जाती है तो डिमांड फॉर एक्टिव बैलेंस बढ़ के OL2 हो जाता है। तो ये जो OL अपवर्ड राइजिंग कर्व है, ये क्या शो करती है? कि विद इंक्रीज इन इनकम द डिमांड फॉर एक्टिव बैलेंस इज इंक्रीजिंग। दूसरी डायग्राम पे आइए, इसमें क्या लिखा गया है कि ये जो एक्टिव बैलेंस है OM1 अमाउंट, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं करता। जाहिर है आपने अपने घर के लिए, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के लिए जो पैसा आपकी डिमांड है वो आप अपने पास रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, वो पैसा भी आप किसी को दे दें। ज़ाहिर है अपने घर चलाना है, अपने कारोबार चलाना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एक्टिव बैलेंस। अब आगे चलिए, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये थर्ड है। ये थर्ड मोटिव है पैसा अपने पास रखने के लिए। जो हमें तीसरी चीज़ सामने आती है वो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब ये क्या है? द डिज़ायर टू होल्ड द रिसोर्सेज इन लिक्विड फॉर्म। इन लिक्विड फॉर्म का मतलब इन टर्म्स ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ राइज इन फ्यूचर प्राइसेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में फ्यूचर में जो प्राइसेस बढ़ सकती हैं, उसका आप एडवांटेज लेने के लिए आप अपने पास जो पैसा रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब वक्ती तौर पर आप
इसको कांस्टेंट कर दें कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में वो गिवन, उसमें कोई चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, यानी फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेनिंग सेम। ये जो लिखा है ना, गिवन द एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर, इसका मतलब क्या है कि इफ़ वी कीप द फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कॉन्स्टेंट तो फिर क्या होगा, लेस मनी विल बी हेल्ड अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव एट हायर करंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड मोर मनी एट लो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स क्या है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ज़्यादा आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपकी कम होगी। ये कब है, जब आपका फ्यूचर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देर इज़ नो एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तब होगा। इट मेक्स एलपी कर्व फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है जिसके बारे में कहा गया कि ये लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड फॉल करेगी, ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे, अभी आप इस स्लाइड पे ही रहिए। द डिमांड फॉर मनी टू कीप इन लिक्विड फॉर्म इस कार लिक्विडिटी प्रेफरेंस, द टर्म लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन द थ्योरी विद रेफरेंस टू स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि क्यों ऐसा कर किया उसने, बिकॉज अदर टू मोटिव्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो जो दो हमने पढ़े जिसे हमने एक्टिव बैलेंस कहा था, यानी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेट जो एमरजेंसीज के लिए प्रिकॉशनरी जो डिमांड फॉर मनी थी वो अफेक्ट नहीं करते रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक्टिव बैलेंस अफेक्ट नहीं करता, इसलिए उसको इग्नोर किया गया है और डिमांड फॉर मनी से मुराद सिर्फ ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लिया गया। अब ये नेक्स्ट डायग्राम आप देख लीजिए, इसमें वही बात जो मैंने इसमें अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप कांस्टेंट कंसिडर कर लें तो फिर क्या होगा, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी उतनी कम होगी, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये देखिए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस इंक्रीजेस व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस, वी इग्नोर M1 इन डिटरमिनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे है सप्लाई ऑफ मनी, द टोटल सप्लाई ऑफ मनी M which is equal to M1 and M2 means the money available at any time in the economy. It consists of coins, bank notes, bank deposits, ये सब supply of money है। अब demand for money भी पढ़ लिया, supply of money भी पढ़ लिया, अब determination of interest, how we determine the rate of interest. तो अकॉर्डिंग टू केन्स द डिमांड फॉर मनी दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड द सप्लाई ऑफ मनी M2 डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे डायग्राम भी है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए क्या है, सबसे पहले आप डायग्राम देखें, इसमें एक वर्टिकल लाइन है SM सप्लाई ऑफ मनी, और नीचे देखिए OM2, ये क्या है, ये है सप्लाई ऑफ मनी जो अवेलेबल है किसके लिए, फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस OM2, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था OM1 जो हम पीछे देख रहे थे, M1 क्या है, एक्टिव बैलेंस, उसे तो हमने इग्नोर कर दिया ना कि वो चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का उस पर कोई असर नहीं है, लिहाजा ये चीज़ है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिटरमिन करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। अब ये जो LPS, एस स्टैंड फॉर शॉर्ट रन, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस LP, लिक्विडिटी प्रेफरेंस S इन शॉर्ट रन,
ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड फॉल करता हुआ एक ख़त है। अब आप देखिए कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे। यहाँ डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी। अब यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ओ आर, और ई रिप्रेजेंट किसको करता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को। तो जहाँ डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ओ आर, जिसे हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, वो डिटरमिन हो रहा है। OM2 is the supply of money available for satisfying liquidity preference for speculative motive. Rate of interest is determined at point E where demand for money is equal to supply of money. Here rate of interest is OR, that is the equilibrium rate of interest. अब आगे चलिए next slide पे। इट्स अ शॉर्ट रन थ्योरी, अभी मैं आपको बता रहा था ना एल पी के साथ जो एस है वो शॉर्ट रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए तो सप्लाई ऑफ मनी को हमने कांस्टेंट लिया ना, कि शॉर्ट पीरियड में सप्लाई ऑफ मनी भी चेंज नहीं होती। एंड अज्यूम सप्लाई ऑफ मनी एज कांस्टेंट एट एम ओ एम टू, द लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी फैक्टर्स। लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है, ये जो डिमांड फॉर मनी है, ये बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। मिसाल के तौर पर इफ़ पीपल एक्सपेक्ट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर देन दे हैव प्रीवियसली सपोज्ड, अभी हम बात कर रहे थे ना कि गिवन द फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले हमने ये कह दिया कि अगर फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो तो फिर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा होगी, करंट रेट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो, और ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम हो जाएगी इफ़ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है कि इफ़ पीपल एक्सपेक्ट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ क्या है पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फ्यूचर में, तो फिर क्या होगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस उनकी बढ़ जाएगी। अब ये चूंकि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से तो नहीं ना बढ़ रही, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा हो रही है, तो इससे क्या होगा, ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है ये शिफ्ट करके अपवर्ड चला जाएगा। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, द लिक्विडिटी प्रेफरेंस इंक्रीजेस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट एन अपवर्ड शिफ्ट इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व फ्रॉम LPS टू LPS डैश। Here the rate of interest raises from OR to OR dash. ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जब ये LPS से हमारे ये जो डिमांड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है शिफ्ट करके LPS डैश पे चली गई कर्व, तो इसने SM को सप्लाई ऑफ मनी के कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट किया, E डैश पे। और जब हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वाई एक्सिस के साथ टच करेंगे तो ये, या एक्सटेंड करेंगे तो ये ओ आर डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल आएगा। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेजेस फ्रॉम ओ आर टू ओ आर डैश, दस इट इज़ कंक्लूडेड दैट लिक्विडिटी प्रेफरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बट ऑन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। अब आगे चलिए, इस थ्योरी पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। मिसाल के तौर पर पहला क्रिटिसिज्म इस पे है कि नो प्योर मॉनेटरी फिनोमिनन। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन टर्म्स ऑफ प्योर मॉनेटरी फोर्सेस, जैसे डिमांड फॉर मनी है, सप्लाई ऑफ मनी है, whereas real forces like productivity of capital, saving by people also play important role in determination of rate of interest. तो इसका मतलब क्या है,
सेविंग्स को इग्नोर किया गया है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को डिस्कस नहीं किया गया है, और प्योरली इसको उन्होंने मॉनेटरी फिनोमिना जाहिर किया है, और डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, बस बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर दी गई। इसलिए इस पर पहला क्रिटिसिज्म क्या 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 किया है, ये किया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट प्योर मॉनेटरी फिनोमिनन, देर आर सो मैनी अदर थिंग्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड है रोल ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब आप देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डिटरमिन कर रहे हैं तो देर इज नो इंक्लूजन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन डिटरमिनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन क्रिएटिंग द डिमांड फॉर मनी। अब इसको इस थ्योरी में कहीं जगह ही नहीं दी गई, इसलिए इस पर यह क्रिटिसिज्म किया गया कि रोल ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन डिटर्मिनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज नॉट द ओनली फैक्टर गवर्निंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस ऑफ द कंट्री, दीज थिंग्स ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। फिर आगे चलिए डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। This theory ignores the possibility of difference in rate of interest in the market at the same time. Actually, the rate of interest does not remain uniform. यानी एक जैसा नहीं रहता, change होता रहता है। फिर उसके बाद savings being ignored, ये पहले भी तस्करा मैं कर चुका कि savings of people which are the main source of investable funds, it is ignored in this theory. Ab to part with liquidity, yani liquidity se dastbardar hona without having any saving, it is meaningless. Savings ka aap tazkara hi nahi kar rahe, savings ko aap consider hi nahi kar rahe, to ye kaise aap isko calculate karenge ki bhi hamare paas itne paise hain और इसको हम किसी को दे के और इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो सेविंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन दिस थ्योरी। नेक्स्ट है कि ये जो डिस्कशन है या डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाय लॉर्ड केन, इट इज़ शॉर्टन एनालिसिस, इट एक्सप्लेन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन शॉर्टन, इट डज नॉट डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लॉन्ग रन। तो ये भी एक इस पर क्रिटिसिज्म है। और आखिरी क्रिटिसिज्म है एक्टिव बैलेंस इग्नोर्ड। इस थ्योरी में जैसा हमने अभी डिस्कस किया भी कि सिर्फ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लिया गया, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी को, डिमांड फॉर मनी को इग्नोर कर दिया गया है, जो मिलके एक्टिव बैलेंस कहलाते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिपेंडेंट डिटरमिन किया जाए विदाउट एक्टिव बैलेंस, ये गलत है। द डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव इज इग्नोर्ड। गिवन द टोटल मनी सप्लाई, वी कैन नॉट नो हाउ मच मनी विल बी अवेलेबल टू सेटिस्फाई द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अनलेस वी फर्स्ट नो द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। जब तक हमें ये ना पता हो कि ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए हमें इतने अमाउंट चाहिए, तो हम कैसे बता सकते हैं कि स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए हमारे पास इतने पैसे अवेलेबल हैं। और जब तक हमें ये मालूम ना हो कि हमारी लेवल ऑफ इनकम क्या है, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन या प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए इतना ही जो है वो डिमांड है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम को इसमें नज़रअंदाज किया गया है।
it does not underline the importance of income. इसलिए ये थ्योरी, इसको बाज लोग इनडिटर्मिनेट थ्योरी भी कहते हैं, ड्यू टू दिस रीज़न दैट एक्टिव बैलेंस इज इग्नोर्ड, इनकम इज इग्नोर्ड इन दिस थ्योरी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर.